मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सरकार ने 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए की नोट बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर की गई थी। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी सरकार की एक असफलता है जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ है और नौकरियाँ चली गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नोटबंदी के 6 साल के बाद लोगों के पास कैश 72% बढ़ा है।